कभी सलमान संग दुश्मनी निभाकर हिट हुआ स्टार, फिर संस्कारी भाई बनकर जीता फैंस का दिल, माँ भी थी फेमस सुपरस्टार। बॉलीवुड में आज यह एक्टर किसी परिचय का मोहताज नहीं है। करियर की शुरुआत भले ही उनके हिस्से फ्लॉप फिल्में ही आई, लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब उनका हर निभाया किरदार दर्शकों को पसंद आने लगा था। दमदार अभिनय से अलग पहचान बनाने वाले बॉलीवुड का यह स्टार काफी समय से किसी फिल्म में नजर नहीं आए। यह कहानी एक ऐसे एक्टर की है जिसे हिंदी फिल्मों के साथ टीवी सीरियल खूब लोकप्रियता मिली। इन्होंने बॉलीवुड में बतौर सपोर्टिंग एक्टर और विलन का काम किया, जिन्हें हम मोनिश बहल के नाम से जानते हैं। हिंदी सिनेमा की सबसे बेहतरीन अभिनेत्री नूतन जी इनकी माँ थी और यह बॉलीवुड के फेमस मुखर्जी समर्था परिवार से संबंध रखते हैं। इनकी माँ तो बॉलीवुड में नामी एक्ट्रेस थी, लेकिन इनकी मौसी तनुजा भी एक फेमस अभिनेत्री रही हैं। इनके पिता का नाम लेट कमांडर रजनीश बहल है। मोनिश बहल का जन्म 14 अगस्त साल 1959 को मुंबई में हुआ था। यह बॉलीवुड की पॉपुलर एक्ट्रेस काजोल के भाई लगते हैं। मोनिश ने फिल्म बेकरार से अपना डेब्यू किया था, लेकिन बतौर हीरो इनका काम नहीं बना और इसके बाद इन्होंने बतौर विलन इंडस्ट्री में काम किया। इन्होंने 90 के दशक में आई कई फिल्मों में एक विलन या फिर सपोर्टिंग एक्टर के तौर पर कई सुपरस्टार के साथ काम किया, जैसे ऋषि कपूर, सलमान खान, गोविंदा, संजय दत्त, शाहरुख खान, आमिर खान, अजय देवगन और अक्षय कुमार के साथ। मोनिश बहल को बॉलीवुड में सबसे ज्यादा लोकप्रियता राजश्री प्रोडक्शन की फिल्म मैंने प्यार किया से मिला और इसके बाद इन्होंने सूरज बड़जातिया के साथ ही काम किया, जैसे हम आपके हैं कौन और हम साथ साथ हैं। फिल्मों के बाद इन्होंने टीवी की तरफ रुख किया और इनको टीवी सीरियल में सबसे ज्यादा पसंद किया गया। इन्होंने संजीवनी देवी, घर घर की कहानी, एक लड़की अनजानी सी और कयामत जैसे टीवी शोज से सबसे ज्यादा नाम कमाया। मोनिश ने एक्ट्रेस एकता सोनी से शादी की और इनकी दो बेटियां हैं, परिनूतन बहल और कृष्णा बहल। बॉलीवुड में आज मोनिश बहल किसी परिचय के मोहताज नहीं है। करियर की शुरुआत में भले ही इनके हिस्से फ्लॉप फिल्में ही आई, लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब उनका निभाया हर किरदार दर्शकों को पसंद आने लगा था। दमदार अभिनय से अलग पहचान बनाने वाले मोनिश बहल काफी समय से किसी फिल्म में नजर नहीं आए हैं। मोनिश ना फिल्मों में ज्यादा नेगेटिव किरदारों के जरिए अपनी पहचान बनाई, लेकिन नेगेटिव किरदार निभाकर भी उन्होंने लोगों का दिल जीता और अपने करियर को नई दिशा दी। संस्कारी भाई के रोल में भी लोगों ने उन्हें एक्सेप्ट किया और कई अलग अलग किरदारों के जरिए मोनिश ने अपनी प्रतिभा साबित की। मोनिश बहल ने साल 1983 में फिल्म बेकरार से सपोर्टिंग रोल के जरिए अपने अभिनय सफर की शुरुआत की थी, लेकिन उनकी यह फिल्म कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई थी। इसके बाद उन्होंने कई फ्लॉप फिल्मों में काम किया। एक तरह बॉलीवुड में उनका करियर खत्म ही होने वाला था कि तभी उन्हें मैंने प्यार किया में अपनी इमेज से परे विलन का रोल मिला। फिल्म ने अपार सफलता हासिल की। इस फिल्म में मोनिश बहल के करियर को भी नई उड़ान मिली। मोनिश हिंदी सिनेमा की जानी मानी सक्सेसफुल एक्ट्रेस नूतन जी के बेटे हैं, लेकिन उन्होंने कड़ी मेहनत के दम पर अपनी पहचान खुद बनाई। सलमान संग दुश्मनी निभाकर हुए थे हिट। मोनिश ने जब फिल्म मैंने प्यार किया में सलमान खान के ऑपोजिट विलन बनकर नजर आए तो लोगों ने उनके किरदार को काफी पसंद किया। जहां एक फिल्म में सलमान के प्रेम के किरदार को खूब वाहवाहियां मिली, वहीं खलनायक का किरदार निभाकर मोनिश ने भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। लोगों ने फिल्म में उन्हें विलन के रोल में पसंद किया, लेकिन इस फिल्म के बाद मोनिश को लोगों ने हम आपके हैं कौन और हम साथ साथ में उन्हें सलमान के संस्कारी बड़े भाई के रूप में भी खूब पसंद किया। लेकिन मैंने प्यार किया से मोनिश ने अपने करियर की शुरुआत में झेली असफलता को राजश्री की फिल्म मैंने प्यार किया से दूर कर दिया था। यह फिल्म उनके करियर का टर्निंग पॉइंट साबित हुई। सलमान और मोनिश की बेमिसाल दोस्ती।
मोहनीश और सलमान के बीच हमेशा ही अच्छी दोस्ती रही। ब्लॉकबस्टर फिल्म हम आपके हैं कौन के 25 साल पूरे होने पर मोहनीश ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सलमान से जुड़ा एक दिलचस्प किस्सा बताया था। उन्होंने बताया कि वो और सलमान दोनों फिल्मों में स्ट्रगल कर रहे थे तो साथ में जिम जाया करते थे। उन दिनों सलमान इतनी कंजूस हुआ करते थे कि जिम के पैसे ही नहीं देते थे, तब उनकी फीस मोहनीश भी दिया करते थे। टीवी शो में दिखा मोहनीश का जलवा। मोहनीश बहल ने अपने किरदार से फिल्मों में ही नहीं टीवी सीरियल में भी लोगों का दिल जीता। अपनी एक्टिंग के जादू से उन्होंने दर्शकों को खूब एंटरटेन किया। छोटे पर्दे पर वह संजीवनी और फिर दिल मिल गए जैसे कई शोज में नजर आए। साल 2003 में उन्हें संजीवनी के लिए बेस्ट एक्टर इंडियन टेलीविजन एकेडमी अवार्ड से सम्मानित किया गया था। वहीं सीरियल देवी में नेगेटिव किरदार निभाने के लिए उन्हें बेस्ट एक्टर इन ए नेगेटिव रोल का इंडियन टेली अवार्ड मिला था। बता दें कि मोहनीश भले ही फिल्मों में नेगेटिव रोल में नजर आते थे लेकिन दर्शकों का उनका विलन का अवतार भी खूब भाता था। अपने एक्टिंग करियर में मोहनीश ने कई हिट फिल्मों में काम किया जिनमें राजा हिंदुस्तानी, कहो ना प्यार है, अस्तित्व, फोर्स और जय हो जैसी फिल्में शामिल हैं। उन्होंने तकरीबन 100 से भी ज़्यादा फिल्मों में अपनी एक्टिंग का हुनर दिखाया है।